मेरा भरपाई इस मंदिर परिसर से ही होना चाहिए। मंदिर कहाँ से आप कहाँ से हैं मैडम, कहाँ से हैं? हम बागोदर से हैं, नीचे बाजार। नीचे बाजार, हाँ। नाम बताइए अपना। सीमा गुप्ता। सीमा। पति दिलीप प्रसाद गुप्ता। जी जी। भाई दीपक कुमार जसवाल। यहाँ जो हो चुका है उसके बारे में आप बताइए। हाँ, मेरी बहन गई थी मंदिर में पूजा करने जी। एक भाई ने कहा बहन बम चाड़ियों जा, और तब तक इधर से छुरी लगा के उसका गला काट लिया। हाँ। हम लोग बोलने गए तो मेरे भाई को 20-25 10-15 जन पंडित लोग मिल के मारने लगे, इसी बीच में हम लोग सबका काट लिया, सबका गले काट। अभी से आधा घंटा पहले। कितने का चैन था? कितने का चैन था वो? लगभग सब मिला के 1-1.5 लाख का होगा। आपके भाई को जो मारा वो सब लोकल पंडल हुई थे आगे? मतलब ये सब उठ कर आए हैं, सब लोग मिल के मारे ना बेटा, सब लोग मिल के मारे हैं। कपड़ा फाड़ फाड़ के मारा है और कुंडा भी लपेट लिया। देखिए इनके साथ ही मारपीट हुआ है, और आपके साथ जो घटना घटा उसके बारे में बताइए तो हमको। मैं दीपक कुमार जायसवाल बगौदा गिरिडीह से रहने वाला हूँ। हम लोग आज सोमवार लास्ट सोमवार को पूजा करने के लिए पूरे परिवार साथ में झारखंडी धाम आए थे। जब गेट के प्रवेश द्वार सबको अंदर किया जा रहा था तो वहाँ पर एक पंडा बम खड़े थे जी जी। वो सबके कंधे पे हाथ रख के बोले, लेडीज लोगों को बोले अब बच्चा लेके आए, चलिए चलिए चलिए, हाथ में छोटा कैंची रखे हुए थे, ऐसे काट रहे खींच रहे थे। जब मेरी माँ ने पीछे से देखा, हमारे बहन का जब उन्होंने मंगलसूत्र काटा, मेरी माँ ने देख के विरोध किया। तो ये आप अपने आँखों से देखे थे चैन काटते हुए पंडित को, यहाँ के ब्राह्मणों को चैन काटते हुए अपने आँखों से देखे हैं? मेरी माँ ने अपने आँखों से देखा। कौन है मम्मी, कहा आपने? एक में मम्मी बुलाइए, गला देखिए इनका है, इनका है ठीक है, सबका गला देखिए कटा हुआ है, चैन आपका भी कटा है। कहाँ से आप मैडम, नाम बताइए, कौन जी हुआ आपके साथ में? सोना का चेन मंदिर परिसर के बाहर में? नहीं, अंदर। मंदिर के अंदर में? चलिए जब मंदिर मम्मी आई, बताइए आप बताइए तो आपके साथ क्या हुआ? मेरा पास पोता था जी, तो हम ऐसे कहता है कि रुके रुके आपको पार कर दे रहे हैं। हमारी बात पर मारे भी आपको भैया? जी हाँ, बहुत मारपीट किए, देखिए मेरे कपड़े। कौन मारे आपको, कौन मारे हैं? पंडा लोग मिलकर मारे हैं, 10-12 पंडा लोग मिलकर। मैं भीड़ में उनका चेहरा तो ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, और 10-12 पंडा लोग मिलकर बोले अरे मारे गए, और सब मिलकर मेरे साथ मारपीट किए। देखिए मेरे कपड़े फाड़ दिया गया है, और ये यहाँ पर एक पंडित जी है, देखिए यहाँ पर पंडित बाबा जो संकल्प कराते हैं उन्होंने मुझे यहाँ पंडालों से बचाया, तो ये जो जरूर पंडालों को पहचानते हो क्योंकि स्थायी निवासी है, कृपया उनसे पूछताछ किया जाए। इनका भी चोरी हुआ है, देखिए इनका भी चोरी हुआ है, और यहाँ जो पंडित है और यहाँ पर पंडित है सब सही हुआ है, और जो हो रहा है सब यहाँ सही हो रहा है, सब पगला है, सबको चेंज छिनाएगा। जब हम वीडियो बनाए तो मैं फोन छीन कर लौट नहीं रहता, उसको चला के मारे और हमको आगे मारने लगे। कौन मारे आपको? पंडित जी जो बैठते तो वही पंडित। आ रहे आपके आदमी लोग आ रहे थे जी? आ रहे उनके साथ में क्या हुआ? अभी आगे चक्कर है, आपका हादिस नहीं होगा, भाई है ठीक ना, लिख के दो भाई, अगर नहीं होगा ना हमारे भाई लोग भी आ रहे हैं तो बैठ जो ना खाई बैठ जाए। आप सुनिए ना, अब सोमवार के दिन है, पूजा करने में किसी को बाधा मत बैठिए, इसके हम लिखित कंप्लेन हम लोग आपके साथ में है ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं ठीक है। हिंदू भाइयों से सिर्फ बोल निवेदन करना चाहूंगा, आज एक हिंदू धर्म के साथ में जब हम पूजा आस्था से पूजा करें, मेरा भी ये परिवार हो रहा है, हमारी आस्था कैसे बनी रहेगी ये भाई? हमारी आस्था कैसे बनी रहेगी? सुनो ना, कैसे घर पर पूजा करने आएंगे घर में स्थल में? सुनो मेरे बात, आपको सही बात सुनना पड़ेगा, हम भी बेटा समान है, भाई समान है, हम गारंटी देते हैं, और कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है आप बैठिए, अगर मैं हाँ भैया नहीं करूँगा आप हमको बोलिएगा, अरे आप हाँ बहुत समान है, चलिए।